Hello and welcome to the CNBC TV 18 CII GST Town Hall. I'm Shireen Bhan and we're coming to you live from the Confederation of Indian Industries headquarters here in the capital. It gives me great privilege and pleasure to welcome in our midst the Revenue Secretary Hasmukh Adia, the man behind rolling out the goods and services tax, the launch of which is expected on the 30th of June at midnight. India's tryst with its most ambitious indirect tax reform will start on the 1st of July. This broadcast is going live on CNBC TV 18, CNBC Awaaz, CNBC Bajar, and our digital platforms. Feel free to tweet us and send us your queries on Facebook. Aaj hum Revenue Secretary se aapke sawalat jo hain, jo aapki aashankaein hain GST ko leke, unse answers lenge ki kis prakar se GST lagu kiya jayega aur usse aapke business pe kis prakar ka impact ho sakta hai. To Revenue Secretary, pehla sawal main aapse puchti hoon aur ye aaya hai, kai saare logon ne hume ye sawal bheja hai. What is going to be the impact on pre-GST stock post the GST rollout? How is this actually going to be handled by the government? Are you going to tell manufacturers and dealers to put stickers on pre-GST stock versus post-GST stock? How is this going to work? This is a question that's coming from a lot of people, sir. No, stock ka aapko alag ginti karke rakhna godown mein zaruri nahi hai. Lekin jo stock aap khareed chuke hai, aapke paas pada hai, उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होगा. तो उसके लिए हमने एक ट्रांजिशन रूल बनाया है. वो ट्रांजिशन रूल की एक पब्लिसिटी कैंपेन कल सुबह के अखबार में आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रांजिशन रूल में सब अखबारों में होंगे, सब लैंग्वेज के अखबारों में होंगे कि किस तरह से. थोड़ा बहुत आज ही बता दीजिए, अखबार तो कल देखेंगे, आज आप लाइव है, आज ही बता दीजिए कि क्या होगा सर. सबसे पहले अगर आप आपके पास जो स्टॉक है उसमें आपने वेट पे किया है और आपके पास वेट पेमेंट के वाउचर है, सब डॉक्यूमेंट है, तो आपको 100% क्रेडिट उसका एसजीएसटी के सामने मिल जाएगा. और अगर आपके पास एक्साइज के भी पेमेंट के डॉक्यूमेंट है, आप अगर मैन्युफैक्चरर है, आपने खुद ने एक्साइज पे किया है और एक्साइज पेड डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो उसका भी पूरा क्रेडिट 100% आपको सीजीएसटी के सामने मिल जाएगा. लेकिन ये दोनों में से कोई भी वाउचर नहीं है अगर आपके पास, मान लो, फिर भी अगर आपका जो कॉमोडिटी वो टैक्स पेमेंट में था पहले, एक्साइज उसके ऊपर थी या वेट था, तो उस केस में हम 40% या 60% डीम्ड क्रेडिट देंगे आपको. तो डीम्ड क्रेडिट दो पार्ट में इसलिए है कि जिस आइटम का रेट 18% या उसके ऊपर है, उसके ऊपर 60% ऑफ सीजीएसटी पेएबल, उसकी डीम्ड क्रेडिट हम देंगे उस के लिए, जो 18% से ऊपर वाली कॉमोडिटी. और अगर आपकी आइटम का रेट 5% या 12% में है, तो उसका 40% ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी विच इज पेएबल, इतना आपको डीम्ड क्रेडिट मान के दे देंगे. जैसे छोटे कारोबारी होते हैं ना, एमएसएमई, तो एमएसएमई के ऊपर अभी कोई एक्साइज ड्यूटी था ही नहीं, वो आइटम के ऊपर था लेकिन उनके ऊपर नहीं था, तो उनका जो भी स्टॉक पड़ा होगा उसके ऊपर भी डीम्ड क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा. आप कह रहे हैं कि बेनिफिट मिलेगा और आपने जो आशंका है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन अगर हम देखें तो सर डिस्काउंट पे डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट चलता जा रहा है और कहीं लोगों के मन में एक विश्वास नहीं है कि जब जीएसटी लागू होगा, जिस प्रकार की आपने मैकेनिज्म अभी आउटलाइन की है, वो उसका बेनिफिट उठा पाएंगे. तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, हमारी प्रक्रिया बहुत सरल है. इसमें एक ही फॉर्म भरना है, ट्रांस वन नाम का फॉर्म है, वो भरना है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए. अब ये संभव है कि कुछ लोग ये न समझते हुए फिर भी डिस्काउंट ऑफर करें तो अच्छा ही है, कंज्यूमर के लिए तो अभी अच्छा सीजन चल रहा है, अगर डिस्काउंट पे माल मिल रहा है तो जीएसटी का एक फायदा तो शुरू हो गया. ठीक है, आप कह रहे हैं कि डिस्काउंट का सीजन चल रहा है, जीएसटी का फायदा अच्छा हो चुका है. लेट मी टेक क्वेश्चंस इन एंड वी हैव गॉट चंद्रजीत बैनर्जी हियर फ्रॉम दिस कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. सीबी इंडस्ट्री हैज नो चॉइस बट टू बी रेडी, दैट्स द मैसेज दैट्स कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल एज द फाइनेंस मिनिस्टर. नो बिजनेस नॉट टू बी रेडी फॉर द रोल आउट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑल सेट फॉर जुलाई 1. You know, industry shouldn't crib now, because for the last many, many years, industry has been actually pleading with the government and governments of all the state governments that please let us have GST. And I think the last few years of work, bahut detailed kaam hua hai to iron out kaafi sare differences jo tha. Lekin do sawal revenue secretary ko hum puchna chahenge. Ye zyada se zyada hamare small industries ke taraf se hum puchenge ki GSTN जो है वो तो काफी टेस्टेड है, प्रोटोटाइप काफी टेस्टेड है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे जो एमएसएमई में शामिल है, वो कुछ अगर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स जब हम ट्रांजिशन करेंगे,
उसमें अगर नॉन इंटेंशनल गलतियां जो करेंगे और जो डेलिबरेटली नॉन कंप्लायंस नहीं करेंगे उनको क्या ग्रेस क्या स्पेस आप देंगे सर? How lenient will the government be, sir? And this is a question that's coming from a lot of people, that this is a tax that the government will want to make sure that it is accepted by a majority of Indians. So to ensure the acceptability, will the government take on a light touch approach? Will you be lenient, for instance? Can you perhaps even consider waiving off interest and penalty for the first 6 months? That's a tall call, but we can assure all our people. Is that a yes or a no? I'll reply to that. We can assure all our taxpayers that our intention is to do smooth lending of GST. Our intention is not to harass anybody in the first month itself. So obviously, and there is a fine line between a genuine mistake and intentional decision on somebody's part to cheat the government. So that distinction we will see. And if it's a genuine mistake, the government would be very, very kind to them. So they don't need to worry about it. So. But can you be more clear, sir? Because, I mean, everyone will believe that they've made a genuine mistake and they've not made a deliberate mistake to try and scam the system. But given the fact that this is a complex mechanism, it is a complex transition, people on the administration side are also getting used to this new law. Even your own officers are getting used to this new law. Can there be leniency given explicitly, sir? There would be leniency, but in what form I cannot announce now. Because if we announce that we are not going to charge this, we are not going to charge that, people will use that at their benefit. So there will be leniency. We have specifically kept one provision in the GST law wherein it says that GST council can waive certain requirement for some time. Okay. So that is a possibility. If the need were to arise, the GST council could consider perhaps waiver of interest and penalty maybe for 6 months. That's right. Okay. Let me bring in more questions now. And we've got Rajiv Memani here from EY. Mr. Memani, go ahead. No, I would echo what Chandrajit said. I think that, so compliments to you every day. I know there's a lot of activity and also you're communicating in a big way. The industry is ready. I think the worry is on GSTN. So the API said as soon as you can release them, the Form 3B, you know, which you have said has to be filed by August 15th, if you can release the APIs and everything can be released. I think that is one issue. The second, sir, is that on the area-based exemptions, whilst you have said that it will be outside the purview of GST, but people still don't know how that will work, both from a center standpoint and state standpoint. And I think it has, from a center standpoint, I've asked you this question, you responded that center will take care of a certain percentage. But how that will work, I think, sir, that will have working capital implications. So as we are coming to that date, I think that, you know, if we can clarify and what is the rules on, or the way states will play that, that will be very, very important. And I have just very quick two questions on car leases. I know already that you asked two questions. Two sub bullets. The way you draft the legislation, sir. Two sub provisos. So on car leases, right now the rate is 14%. You know, so now you know that rate has straight away gone from 14% to 43%. Yes. For new cars, it's not a problem because you get a 43% through credit. But for existing car leases, sir, this jumps from 14% to 43%. And similarly, on the airlines aircraft leases also, there's a customs duty on the leases, which is 5%, and also on the lease payments, there is 5%. So there's an additional 10% hit. So there are some cases, I thought I'll highlight this, these two, and there are some others, but I'll pause. Thank you. I'll come back for more. But sir, on the leasing issue, this is a question that's come in even on our Twitter pages from a lot of people, specifically on car leasing. So if you could address that as well. Well, actually, the leasing industry was functioning based on the tax arbitrage that was there. Now, what we are saying is ki, if we make it cheaper for people to take car on a lease, and much cheaper, suppose we say that they will only pay 18% service tax, while the car itself is costing 43% of GST. For existing car, for the transition period, we don't know how to, but even there, you know, we have no option but to go in for a new regime. But if it's a question of transition for the people who have already taken it on lease and suddenly they are being impacted, maybe a representation can come to the government. We'll see what best we can do. Now 42 to 43, I think that's fine. But for the existing leases, there's a problem.
Okay, we will have to look into it. I'm not too sure how to handle the transition issue which you are talking about. Okay. But sir, the purpose of doing this was that to equate both, you know, so that there is no tax arbitrage being used. Sir, ek sawal aaya hai ki aap new registrations jo hai GSTN pe ab wo 25 June se fir se khulengi. Ab agar mera koi vendor hai aur vendor ka registration nahi hua hai 1st of July tak aur unke paas registration number nahi hai, to 1st of July ko agar wo nahi invoice matching kar paate hain, to mere input tax credit ka adjustment कैसे हो पाएगा? नहीं देखिए, इसमें कोई आई थिंक देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी यूनिट बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, 30 डेज के लिए अपना बिजनेस चालू रख सकता है. विद इन 30 डेज ही सपोज टू गेट अ न्यू रजिस्ट्रेशन. तो अगर ऐसा कोई वेंडर है कि जो अपना बिजनेस अभी चालू है उनका, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो 25 से नए रजिस्ट्रेशन की विंडो खुल रही है. वो विंडो तो हमेशा के लिए चालू ही रहेगी, वो विंडो कभी नहीं बंद होगी. लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं पहली बार, तो उसके लिए आपको 30 डेज के अंदर, विच मीन्स के 1 जुलाई को जीएसटी आ रहा है, तो अप टू 30 जुलाई आपको ये करा लेना है रजिस्ट्रेशन. सो उसके लिए पूरा टाइम आपको मिल रहा है. और जहाँ तक जो माइग्रेट करने वालों का सवाल है, माइग्रेट करने के लिए हमने 2 बार विंडो खोल चुके हैं. अब तीसरी बार माइग्रेशन का विंडो खुल रहा है 25 जून से, तो उसके लिए भी हम आपको पूरा महीना देंगे, उसको बंद नहीं करेंगे. अगर आप चाहे तो उस दौरान आप अपना प्रोविजनल आईडी और लॉगिन जो हमने भेजा है उसके द्वारा आप उसको जीएसटीआईएन में माइग्रेट कर सकते हैं पूरे महीने में. नेक्स्ट होल मंथ यू कैन डू दैट. So let me, before I bring in more questions here, a quick question since we are talking about the GST, and sir, and that I think has caused a fair degree of consternation and concern. How prepared is the GSTN for the rollout of the GST, sir? Because even the last few days, we've actually seen several technical glitches bring down the GSTN as well. So can you assure people that the GSTN is fully GST compliant and ready on the 1st of July? GSTN की जहाँ तक प्रिपरेशन का सवाल है, आपको पता है कि GSTN का जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया इज मेकिंग इट, तो दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर इट. इनका सिक्योरिटी का पूरा चेकिंग वगैरह हो गया है एंड हमारी तरफ से पूरी तैयारी है. लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में कभी कभी शॉर्ट टर्म ग्लिचेज आ सकते हैं, बिकॉज एक नई सिस्टम बना रहे हैं हम पूरी की पूरी. और हम कोशिश कर रहे हैं, हमने जो 2 महीने का टाइम दिया है बिजनेसेस को भी, और दैट टाइम इज अवेलेबल ऑल्सो टू अस, तो उसमें पूरा टेस्टिंग करने के बाद ही हम 15 जुलाई से इनवॉइस का अपलोडिंग शुरू करेंगे जीएसटीएन के सिस्टम में. तो हमारी तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं रखी गई जीएसटीएन का सॉफ्टवेयर बनाने में. लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में कभी शॉर्ट टर्म ब्रेक्स आ सकते हैं, उसको हम हैंडल करेंगे अगर जरूरत होगी तो. वो भी नहीं आने चाहिए, हम ये नहीं अपेक्षा कर रहे. अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे थे, उसको फिक्स किया गया है. जो हमने सीखा वो जो 15 दिन का विंडो में पहले 6 दिन में जो दिक्कतें हुई उसका रीजन भी हमको पता चल गया है. क्या रीजन है? रीजन ये था कि जो ई साइन का हमने नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया और ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन आधार बेस्ड, तो क्या होता था कि आधार के सिस्टम में जाता था एनएसडीएल के पास या सीडेक के पास और उसका इंटरफेस में प्रॉब्लम आ रहा था. दूसरा कि आधार बेस्ड वेरिफिकेशन में कुछ लोगों का मोबाइल नंबर पुराना था आधार में, तो उनको ये मैसेज जाने के बदले में कि भी आपका वो गया है ओटीपी गलत नंबर पे, वो कुछ और आ जाता था कि भी सिस्टम डाउन और समथिंग. सो दैट कम्युनिकेशन हैज बीन चेंज नाउ. ओके. एंड दैट प्रॉब्लम विल नॉट अकर. वी हैव एक्चुअली सेड नाउ कि माइग्रेशन के लिए आपको ई वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं रहेगी. आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, उसी मोबाइल पे आपको ओटीपी भेजेंगे और उससे हम वेरीफाई कर लेंगे. तो अभी आधार के साथ भी लिंकेज थोड़े टाइम के लिए हमने निकाल दिया इसमें, सो दैट क्विकली पीपल कैन माइग्रेट. ओके, लेट मी टेक मोर क्वेश्चंस. यस सर, गुड इवनिंग. See, so far the questions that have been asked are more related to manufacturers and consequential impact on the traders who are buying goods within India. I'm from the fitness industry, where most of the industry is based on import of goods. What happens in such cases? That is one question.
Number two, related to the fitness industry, is that the GST on fitness industry has been separated from sports goods, which does not make sense because both of them really should be falling in the same category. And fitness industry has been put in the highest bracket, considering it to be luxury. And that's something that really is... Which one? Gym? His answer will be simple. Just do yoga instead. That will take care of fitness, right? I know that's going to be his response. I know that's going to be his response. Yes, sir, go ahead. Well, let me answer to your first question. Whenever you are importing any goods into the country from 1st of July night, you would have to pay IGST along with the custom duty. So that is one thing. So IGST, the first GST income will happen to us at 12 o'clock in the midnight on 30th June night. So that will be the first transaction of GST coming to us. So you will have to pay full IGST, the credit of which you can take when you have a liability to pay CGST and SGST when you are selling your output goods within the country. So that is how we'll handle the import part of it. Right? What about the stock in some cases? Stock? Stock of goods that are lying either in bonded warehouses or our own warehouses, where again the VAT has not been paid so far. On which IGST is not paid, no? Not at all. You see, only the only thing that has happened... No, if you have paid the CVD on it, yes, that CVD is going to be given credit if you have got the vouchers for CVD payment. Right. So that will be given credit off. So if the goods are cleared from customs, then CVD is paid and customs duty is paid. But what about goods that are lying in bonded warehouses, where neither CVD nor customs duty has been paid? Then when you take it out of bonded warehouse, you will have to pay custom duty as well as IGST. So it'll be deemed as if it has been imported. Absolutely, on that date, yeah. So that is what you have to be careful about now. Okay, gentlemen, we're going to have to go across to Pune, where the CII president, Shobha Kamineni, joins us. Shobha, well, it's unfortunate that you couldn't be here with us here in Delhi at the CII headquarters, but go ahead, we've got the Revenue Secretary here. Your question for him. Good evening, sir. One thing I must tell you is that we've toured four states and zones, and CII membership is ready and we're willing to support a tax that is going to benefit us. We understand that. But I have a question for you. While the design of the GST is a masterstroke and it depends on peer pressure for timely filing of returns to obtain the benefit of input tax, it can actually encourage the greater formalization in the economy. But in the economic survey, only 15% of GDP is captured in tax returns. What is your assessment of bringing in more enterprises from the informal to the formal sector via GST? Go ahead, sir. Well, I think you're very correct. The way the taxation is designed in GST, it will encourage a lot of informal enterprises to come into the tax net. And we do believe that even the people who are given an exemption limit of 20 lakhs, some of them, if they are suppliers to the big people, big manufacturers, if they are vendors to the big manufacturers, they would still prefer to register themselves, pay the duty, and then supply it to this one. Similarly, in case of e-commerce, we have made it mandatory ki agar aap e-commerce ke vendor hai, to unko registered karana hi hai. To un logo ke liye bhi ye formal chain mein aana zaruri ho jayega. So on the whole, one of the benefits of GST would be a lot of informal enterprises will come into the formal sector. पहले तो हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो और तीन चीज़ों के लिए. एक तो ये रिफॉर्म आपने करवाया जो हिस्टोरिक है, वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. दूसरी बात यह है कि आप इतने वॉर फुटिंग में उसकी कम्युनिकेशन करवा रहे हैं. तीसरी बात जो आपने अभी आपने कही कि ये हाफ 50% रिफॉर्म है. दूसरा है डायरेक्ट टैक्सेस में जो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आएगा. सर, मेरे पास दो सवाल हैं. एक है वो एक नई संस्था आ रही है जिसका नाम है एंटी प्रॉफिटेयरिंग एजेंसी या अथॉरिटी. तो इसके बारे में आप जरा बताएं कि ये कैसे डिटरमिन करेंगे. आप सोच रहे हैं कि जो इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो कंज्यूमर्स को पास हो जाना चाहिए, लेकिन जो टैक्स क्रेडिट की जो बात है कितना मिलेगा और यू नो खर्चे का जो इनपुट कॉस्ट होता है उसमें बहुत सारे क्वालिटी होती है, प्राइस होती है, तो ये कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे. जैसे अभी अभी एक आईपीएल का फाइनल हुआ इंडिया पाकिस्तान में, उस दिन टीवी एड रेट्स 10 गुना हो गए. ये तो डिमांड का सर्च था, तो वो तो प्रॉफिटरिंग नहीं, वो तो अपॉर्चुनिटी है फॉर एन एंटरप्रेन्योर. और दूसरा सवाल यह है कि
ये जो अभी बात हुई कि 18% 28% वगैरह, तो अगर कोई एनोमली आपको दिखाई दी बाद में तो वो रिजॉल्व करने का कोई तरीका होगा फ्यूचर में, भविष्य में? थैंक यू। ओके, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो बधाई दी है वो मैं उन लोगों को पास कर दूंगा जो मेरी टीम के मेंबर है जो कि बैठ के ये सब बना रहे हैं, तो उनको मैं आपकी बधाई पहुंचा दूंगा। मैं नहीं हूं, वो पूरी सरकार काम कर रही है इसके लिए। दूसरी बात, जो आपने एंटी प्रॉफिटेरिंग का सवाल किया, वेल, हम नहीं चाहते कि एंटी प्रॉफिटेरिंग को हम आम टूल की तरह यूज़ करें। एंटी प्रॉफिटेरिंग का टूल इज़ दी लास्ट रिजॉर्ट। सबसे पहला हमारा रिजॉर्ट होगा कंज्यूमर एजुकेशन। लोगों को हम बताएंगे किस आइटम में कितनी कटौती हुई है, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा मिल रहा है, वो सब एजुकेशन करने से लोग अपने आप में सजाग हो जाएंगे और लोग खुद डिमांड करेंगे कि भाई आप मेरे से क्यों ज़्यादा दाम मांग रहे हो जब सरकार ये कह रही है। यही तो प्रॉब्लम है सर, आपने सीबीएसई हैज पुट आउट अ नोटिफिकेशन, अ 6-page नोटिफिकेशन ऑन द एंटी प्रॉफिटियरिंग रूल्स, बट नोवेयर डज इट स्पेसिफाई हाउ आर यू गोइंग टू कंप्यूट। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन। नो नो, बट द इंटेंशन आल्सो हैज टू, द फियर डजंट कम इन द रूल, रूल्स आर मेड फॉर, बट द फियर मिस्टर आदिया इज दैट दिस इज गोइंग टू गो बैक टू अ सिस्टम ऑफ इंस्पेक्टर राज, यू आर गोइंग टू वंस अगेन गिव द डिस्क्रिशन टू द ऑफिसर ऑन द ग्राउंड टू। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, बताइए। देखिए, इंस्पेक्टर राज का इसमें सवाल ही नहीं है। पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहला हमारा प्रयत्न होगा कि कंज्यूमर एजुकेशन के द्वारा ही हम इसको निपटाए। उसके बाद अगर जरूरत होगी तो डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स के साथ हम डायलॉग भी तो कर सकते हैं, हम उनको बुला सकते हैं, भाई जिनके जिनके हमको लग रहा है कि भाई ये सेक्टर में कुछ जाति हो रही है तो उन सेक्टर को, उन कंपनियों को बुला के हम उनसे बात भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सीधा ही ये शस्त्र को लगा देंगे। तीसरा, कि इसके बावजूद अगर जरूरत पड़ी तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज फॉर रिटेल सेक्टर कि भाई इस दुकानदार ने कम नहीं किया, उस दुकानदार ने कम किया। इट इज़ ओनली फॉर दोज सिचुएशंस वेयर बिग बिल्डर्स, बिग मैन्युफैक्चरर्स हु आर प्रोवाइडिंग मास गुड्स टू पीपल, दे आर नॉट रिड्यूसिंग द प्राइसेस, तो दैट विल बी यूज ओनली फॉर दिस कंपनीज। नाउ देयर ऑल्सो वी हैव केप्ट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म ऑफ टू काइंड। स्टेट लेवल पे एक स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, उसकी रिकमेंडेशन सेंटर पे आएगी, सेंटर की स्टैंडिंग कमेटी होगी ऑफिसर्स की, वो डिसाइड करेंगे कि नहीं, इट इज़ ए फिट केस फॉर सेंडिंग इट फॉर एंटी प्रॉफिटेरिंग, तब जाके वो डीजी सेफगार्ड को ये काम करने के लिए दिया जाएगा कि इसका पूरा स्टडी करो, कॉस्टिंग स्टडी करो, उनका कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, कितना नहीं मिला। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स अ मैटर ऑफ डिटेल अकाउंटिंग। तो डीजी सेफगार्ड ये सब अकाउंट बैकाउंट सब देख के फिर प्रेजेंट करेंगे अथॉरिटी को, फिर अथॉरिटी कैन डिसाइड कि इसमें नोटिस इशू करनी, पार्टी को बुलाना, हियरिंग करना। वो हियरिंग करने के बाद ही फाइनल अथॉरिटी विल बी डिसाइडिंग। सो इट इज नॉट एनी इंस्पेक्टर विल डिसाइड, देयर इज अ ऑफिस ऑफ डीजी सेफगार्ड विच विल डू ऑल द डिटेल्ड अकाउंटिंग वर्क, प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी एंड देन दे कैन डिसाइड वेदर देयर वाज एनी प्रॉफिटेरिंग इन्वॉल्व। तो ये शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र नहीं है आपके आर्सेनल में? ये इट इज ए काइंड ऑफ ए रेयर शस्त्र जो कि लास्ट में यूज होता है, तो इन ए वे इट इज ए ब्रह्मास्त्र ओनली, ब्रह्मास्त्र लास्ट में यूज होता है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र लास्ट में यूज। जो वो एनोमली की बात है कि जो ऐसे कई कमोडिटीज हैं जो शायद अभी 28% में है लेकिन वो B2B हैं, B2C शायद नहीं है, और अगर बाद में अगर आप मान गए कि थोड़ी एनोमली है इसमें तो वो रिजोल्यूशन। देखिए, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज कास्ट इन स्टोन। अगर बहुत मुश्किली जिसमें हो रही है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, वैसी कोई अगर रिप्रेजेंटेशन आती है तो काउंसिल विल लुक एट इट। बट हमारा ये भी इंटेंशन नहीं कि हर महीने हम लोग अपना रेट चेंज करते रहे, वो भी हमारा इंटेंशन नहीं है। अगर ऐसी कोई बहुत डिफिकल्टी वाली आइटम है और उसके बिना बहुत ही आम आदमी को भी तकलीफ हो रही है तो GST काउंसिल कैन लुक एट इट, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी रिव्यूड एवरी मंथ एंड सेइंग एवरी मंथ रेट ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे।